मालिक ने जब उसे इजाजत दी तो चला गया। मैं उसके पीछे गया, मैं उससे पूछा कि बंदा खुदा एक बात तो बता, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तू कौन है, तूने क्या कहा शहजादे को, शहजादा क्या कहना चाहता था, उसके होंठों पर उंगली क्यों रख दी गई, तेरा रंग क्यों मुतगैर हुआ, जिस्म में कपकपी क्यों आई, दहशत से सुन क्यों। उसने कहा कसम बहुत बड़ी दिलवाई और बताता हूं कि मैं खेजर वली अल्लाह हूं, मुबारक के लिए आया था, ज़ियारत का शौक था, मुझे ज़ाते वाजिब ने पानी पर मुवक्कली अता फरमाई। तो एक दिन मैंने दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे लिए किसी पेश नवाज का इमाम का बंदोबस्त कर, मैं अपनी मुनाजात को अपनी इबादत को अकेला पूरा करता हूँ, अगर इमाम की इख्तदा में करूँगा तो उसका सवाब मुझे देगा, तो मेरी दुआ जो है ना कबूल हुई, इस्तेजाब हुई। उसके मुस्तजाब के बाद कहता है असल अला इमाम, मेरी तरफ एक इमाम को भेजा गया, हो अली अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम। मैं उनकी इक्तदा में अपनी इबादत को पूरा करता रहा, यहां तक कि है थक जाना। अगर आप सच माने तो मैं यहाँ आने से पहले खुद सोया हुआ था, ये बच्चों ने उठाया, आपकी रात हम भी जागते रहे, ये बात नहीं, तो आप भी पूरी कर लेते, सारा दिन था आपके पास, आप भी सो लेते, माशाल्लाह जी। बात ये है कि 60,000 में अगर ये गुफ्तगू चलाई जाती ना तो आप ही उछल उछल कर कहते वाह 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 वाह, इससे पहले कोई बात ऐसी सुनी नहीं हमने, ये मुफ्त में है ना, इसलिए हम जानते हैं जिन सामीन से गुफ्तगू करते हैं आदत है उनके मगज को अपनी मुट्ठी में रखा करते हैं, वैसे गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, आदत है बचपन से, और मालिक पाक के मिशन पर छोटी जिंदगी से वर्क कर रहे हैं, आप शुरू नहीं किया, छोटे थे और भी 20 साल से तो हमें जानते हैं, अपनों में नहीं, अपनों में बैठकर डींगे मारना बहुत आसान है, सैकड़े इलम लोग बैठे हुए हमारे सिटिंग में, ये आपके साथ बैठे हैं, पूछे इनसे, 11 साल का सफर है हमारे इनसे, हाफिज़ हैं कुरान के, तर्जमे तफसीर के साथ, और अपने अकीदे के अब भी मुरब्बी हैं, पहले पिछले अकीदे के भी मुरब्बी थे, उससे पिछले अकीदे के भी मुरब्बी थे, अगर कोई शौक है दमखम है तो शुरू करवाते हैं, आप गुफ्तगू करें, अब सब करें इनसे सवाल, अभी पता चल जाएगा माशाल्लाह। उस शख्स के पीछे गया रावी, माशाल्लाह आप डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीछे रह गए, इमाम के लिए और इमाम फरमाए वक्त आया कि मालिक काबे को किबला बनाने तशरीफ लाए, कहते हैं कि बाद फरमाते जाओ
ضمیر علی امکان کہ انہوں نے عالم وجود کو عالم امکان کو زینت بخشی ان کے بعد یہ میں آپ کی وجہ سے بیٹھ کے پورا کر رہا ہوں. مولا کریم کربلا علیہ السلام کے خلاف میں نماز کا فائنل کیا کرتا ہے پتا جا لہورا عالم امکان کہ انہوں نے عالم امکان کو زینت بخشی. اس کے بعد سجاد علیہ السلام مولا سجاد علیہ السلام کے اقدام اجازت کو پورا کیا جاتا ہے اجاز دار حسین علیہ السلام یہاں تک کہ انہوں نے کثر شہادت کو دین بخش. اب میں آیا تھا زیارت کے لیے میں نے شہزادے پاک کو عمومی بچوں کی طرح مبارک دی. شہزادے کے تیور بلے کہنا یہ چاہتے تھے تجھے جو پانیوں پر حکومت دی ہے کبھی کبھی چہرہ دیکھ لیا کرنا تیری زمین پر تو ابھی ہمارے قدموں کے نشان موجود ہیں. گفتگو تو ساری رات چل سکتی ہے. الحمدللہ شکرن یا صاحب الزمان اجل اللہ ارجل شریف اللہ.